हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हेन लुक एज बाय एलिस मुनरो। एलिस मुनरो इज अ कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हु वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2013। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट एज। इन लिटरेचर समटाइम्स वी यूज रेजर्स एज, दैट मीन्स व्हेन समवन इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। Edge of glory, edge of poverty, same like that Alice Munro's characters are going their own edges. So let's start this story. This story starts from narrator's house. Aunt Nell Botts is the cousin of narrator's mother. So that ye narrator ki aunt hai, Aunt Nell Botts. इनका एक सन है एर्नी बोट्स, जो कि अपनी मदर आंट नेल बोट्स के साथ नरेटर के घर आता जाता था। पर आंट नेल बोट्स की डेथ होने के बाद एर्नी बोट्स का आना जाना बंद हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब नरेटर अपनी स्टडीज़ अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अपने कॉलेज में गई और जहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया वो एर्नी बोट्स के एरिया में ही था जहाँ पर एर्नी बोट्स रहता था। So they starting meeting with each other. He always took her to a restaurant called Old Chelsea in Dundas Street. So यहाँ पर एक restaurant था, ये यहाँ पर हर Sunday evening dinner करने के लिए जाते थे। He started a custom of taking her out to dinner every Sunday evening in Old Chelsea in Dundas Street. So ये हर Sunday evening को dinner करने के लिए जाते थे Dundas Street में। Ernie looked too young. Narrator said that I hope that nobody from the college would see us and think that he was my boyfriend. She was doing English honors and philosophy, and Ernie Botts also wanted to study, but he did not continue his studies after high school. वो भी पढ़ना चाहता था पर वो अपनी studies को continue नहीं रख पाया. He got a job for the Canadian National Railways as a ticket salesman. बट वो टिकट सेल्समैन की उसे जॉब मिल गई थी उस टाइम पर, बट नाउ ही वॉज अ सुपरवाइजर देयर। ही सेड दैट आई लाइक सीरियस रीडिंग बट इट वॉज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉलेज एजुकेशन। सो ही लाइक्स रीडिंग, वो पढ़ना चाहता था बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं था कॉलेज एजुकेशन का। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज अपना इसी तरह से कम्प्लीट कर ले। आफ्टर सम टाइम नरेटर ऑल्सो गेट्स अ जॉब इन कॉलेज कैफेटेरिया। This job was to collecting dirty dishes and wiping the tables clean. So कुछ टाइम बाद नरेटर को भी जॉब मिल जाती है, बट वो जॉब कॉलेज कैफेटेरिया में मिलती है एज अ पार्ट टाइम जॉब, एंड शी हैज़ कलेक्टिंग डर्टी डिशेज एंड वाइपिंग द टेबल्स क्लीन। देन वन डे शी रिटर्न्स फ्रॉम द डिनर फ्रॉम ओल्ड चेल्सा। जब वो डिनर से आती है ओल्ड चेल्सा से, सो शी गॉट अ नोट फ्रॉम हर लैंड लेडी। उसको एक नोट मिलता है और उस नोट में ये लिखा होता है कि उसकी लैंड लेडी उससे मिलना चाहती है। सो वो उसको एक लड़की का नाम बताती है कि एक गर्ल नीना विल कम एंड शी विल शेयर रूम विद यू। सो वो नीना के बारे में बताती है कि एक नीना नाम की लड़की आएगी जो उसके साथ रूम शेयर करेगी नरेटर के साथ। नीना इज़ नाउ 22 years old, बट हियर एलिस मुनरो शोज हर पास्ट ऑल्सो when she was 15 years old. So Nina जो है वो 22 years की है अभी, लेकिन यहाँ पर Alice Munro हमें उसका past भी show कराते हैं। She had got herself pregnant and got married to that guy when she was 15 years old. So वो pregnant हो जाती है और उसी लड़के से शादी भी करती है। She lived in Laneville. This is the name of the town where she lived. This was a small town. The only jobs were there at the grain elevator or fixing machinery for the boys. यहाँ पर ये एक small town है, यहाँ पर boys के लिए जो job थी वो grain elevator की और fixing machineries की थी सिर्फ, और जो girls के लिए job थी वो सिर्फ और सिर्फ storekeeper की थी। Nina wanted to become hairdresser, so that she came here. वो एक हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी इसीलिए वो यहाँ पर आई इस टाउन में। ये वो प्लेस है जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, लेनविले।
So she lived with her grandmother because her father had died and her mother had got married again and her stepfather had kicked her out. So वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहती थी क्योंकि उसकी मदर ने उसके फादर की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसके स्टेप फादर ने उसे बाहर निकाल दिया था. शी हैड अ सेकेंड बेबी आफ्टर सम टाइम. जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद शादी करती है, उसके कुछ टाइम बाद उसका सेकेंड बेबी भी होता है एंड हर हस्बैंड वॉज सपोज टू हैव अ जॉब लाइंड अप इन अनदर टाउन. सो ही वेंट ऑफ देयर. सो उसके हस्बैंड को वहाँ पर जॉब मिलती है किसी और प्लेस पे, तो वहाँ पर चला जाता है. सो शी लेफ्ट बोथ चिल्ड्रन विद हर ग्रैंड मदर एंड टुक द बस टू शिकागो. वो अपने दोनों चिल्ड्रन को ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चली जाती है और यहाँ शिकागो में आ जाती है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए. सो When she came in Chicago, she stayed in a hotel. जब वो शिकागो में आती है तो वो एक होटल में रुकती है. She met with a man and whose name was Mr. Purvis. He gave her name Nina. Before that her name was June. Mr. Purvis ने ही उसे नीना नाम दिया था, इससे पहले नीना का नाम जून था. She went to live at Mr. Purvis' place in Chicago. वो मिस्टर पुरविस के साथ रहना शुरू करती है शिकागो में. जब वो स्टार्टिंग में शिकागो आती है अपने दोनों चिल्ड्रन को अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ करके, She got pregnant again. Mr. Purvis get her to Japan for abortion. But suddenly she decided to not to get abort this child. वो प्रेग्नेंट हो जाती है मिस्टर पुरविस और नीना फर्स्टली डिसाइड करते हैं कि वो इस चाइल्ड को अबॉर्ट करा देंगे. देन सडनली शी डिसाइडेड शी डज नॉट वॉन्ट टू अबॉर्ट दैट बेबी अगेन. सो शी कैप्ट दैट बेबी. दिस वॉज अ गर्ल नाउ. शी गेव हर अ ब्यूटिफुल नेम जेमा. सो शी गोट एन अनदर लेडी हु गेव बर्थ टू अ चाइल्ड. उसे एक और भी लेडी मिलती है जिसने सेम टाइम पर एक और चाइल्ड को बर्थ किया था. सो दे बोथ डिसाइडेड टू वर्क इन शिफ्ट्स. उन दोनों ने डिसाइड किया कि नीना और वो शिफ्ट्स में काम करेंगे सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द बेबीज. सो वन डे जेमा गॉट हाई फीवर एंड शी डाइड. वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल उसे कहीं और रेफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से जेमा की डेथ हो जाती है. अब नैना जेमा का प्रॉपर बरियल करना चाहती है लेकिन नीना के पास इतने पैसे नहीं हैं. सो वो मिस्टर पुरविस के पास जाती हैं एंड ही वॉज सो नाइस टू हर. ही पेड फॉर हर बरियल. वो उसके बरियल के लिए पे भी करता है एंड ही टुक नीना ऑन अ लॉन्ग ट्रिप टू लंदन एंड पेरिस टू चीयर हर अप. वो नीना को उस सोरो से बाहर निकालने के लिए उसकी हेल्प भी करता है, उसे ट्रिप पे भी लेकर जाता है एंड फिर वो नीना से पूछता है कि क्या वो पढ़ना चाहती है. तो ही वुड हेल्प हर. अगर वो पढ़ना चाहती है तो ही वुड हेल्प हर. नीना सेड यस शी वॉन्ट्स टू स्टडी. सो नीना एडमिशन लेती है कॉलेज में और वो नरेटर के साथ रहना शुरू करती है. सो नीना जहाँ रहती है नरेटर के साथ, वहाँ से उसे इवनिंग में यानी कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे घर में ही रहना है नरेटर के साथ. वहाँ से उसे बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि एक ब्लैक कार हमेशा उस पर नज़र रखती है. उसमें मिसेस विनर है. मिसेस विनर हमेशा उस पर नज़र रखे हुए हैं जो कि मिस्टर परवेस ने भेजा हुआ है उसकी नज़र रखने के लिए. एक दिन वो शाम को नरेटर और नीना छिप कर शाम को बस से लाइब्रेरी जाते हैं. बस में नरेटर को एर्नी बोट्स दिखाई देता है तो वो एर्नी बोट्स और नीना को इंट्रोड्यूस कराती है. तो अब नीना और एर्नी बोट्स भी फ्रेंड बन जाते हैं. बट हेयर मिस्टर पुरविस इज़ अ शुगर डैडी एंड हुज मिस्ट्रेस इज़ नीना. मिस्टर पुरविस पे करते हैं जिसकी वजह से नीना उनकी मिस्ट्रेस हैं. वो उसे पढ़ने के लिए भी भेजते हैं जिसकी वजह से नीना को उनकी सारी बात माननी होती है. और ब्लैक कार जो नीना का हमेशा पीछा करती रहती है कि नीना कहाँ पर है, उसके अंदर मिसेस विनर हैं जो कि हमेशा नीना पर नज़र रखे हुए हैं. सो एक दिन नीना बीमार पड़ जाती है जिसकी वजह से नीना
नरेटर को बोलती हैं कि मिस्टर पुरविस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि वो बहुत बीमार हैं। सो मिस्टर पुरविस कहते हैं कि क्या वो डॉक्टर भेज दे नीना के लिए, बट नीना कहती है कि नहीं, वो कुछ रेस्ट करेगी और ठीक हो जाएगी। इस टाइम नरेटर मिस्टर पुरविस से फ़ोन पर बात कर रही होती है और नीना के बारे में बताती है। तो मिस्टर पुरविस उसे थैंक्स बोलते हैं, उसे कहते हैं कि नीना का फ्रेंड बनने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू, एंड अगर तुम इस चीज़ का बुरा ना मानो तो मे आई हैव अ डिनर विद यू। सो वो उससे डिनर के लिए पूछते हैं नरेटर से। सो नरेटर सेड यस। नीना उसे बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए। सो शी सेड यस। सो दे मेड अ प्लान दैट दे विल डू डिनर ऑन सैटरडे नाइट। सो नरेटर सैटरडे नाइट को मिस्टर पुरविस के साथ डिनर करने के लिए जाती हैं और मिसेस विनर उन्हें अपनी कार में लेने के लिए आती हैं, और मिसेस विनर के साथ जब वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पर मिस्टर पुरविस के साथ डिनर करना है, सो मिसेस विनर आस्क हर टू रिमूव हर क्लॉथ्स। शी टेक्स हर ऑल क्लॉथ्स एंड देन शी गेट्स डिनर विद मिस्टर पुरविस। और फिर मिस्टर पुरविस के साथ वो डिनर करने के लिए जाती हैं। मिसेस विनर टेक्स हर ऑल क्लॉथ्स ऑफ। सो नरेटर डिड नॉट इवन थिंक दिस थिंग इज़ राइट और रॉन्ग, शी जस्ट डिड इट। उसने वो कर दिया जो उसे सही लगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसने नहीं सोचा कि क्या सही है क्या गलत है। देन इट बिकम्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। She did dinner with him without clothes, and after that Mr. Purvis उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं और लाइब्रेरी में उसे बहुत सी बुक्स सिमिलर लगती हैं जो कि उसने पढ़ी हुई हैं, बिकॉज शी वॉज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट। सो वो उसे वेन लुक एज द वुड्स इन ट्रबल पढ़ने के लिए कहते हैं, वो उसे पढ़ती हैं। एंड कुछ टाइम बाद मिस्टर पुरविस उसे जाने के लिए कहते हैं, जाने के लिए परमिशन देते हैं। सो मिसेस विनर उसे उसके क्लॉथ्स रिटर्न कर देती हैं। वो अपने क्लॉथ्स लेकर अपने घर जाती हैं मिसेस विनर के साथ। जैसे ही नरेटर अपने घर पर पहुंचती हैं, सो वहां पर उसे नीना नहीं मिलती, जबकि नीना तो बीमार थी। तो वो नीना को ढूंढती हैं, साथ में मिसेस विनर को भी जब पता चलता है वो भी नीना को ढूंढती हैं, और मिस्टर पुरविस भी नीना को हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं। वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं नीना को ढूंढने के लिए, लेकिन नीना कहीं नहीं मिलती। फिर सडनली नीना का कॉल आता है नरेटर के पास और नीना उसे बताती है कि वो एर्नी बोट्स के घर पर है। और नीना नरेटर को कहती हैं कि जो भी उसका सामान वहाँ पर रखा हुआ है वो लेकर चुपचाप से एर्नी बोट्स के घर पर आ जाए, जिससे मिसेस विनर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सो वो पहले नरेटर अपने कॉलेज जाती हैं कॉलेज बस से, और उसके बाद छिप कर एर्नी बोट्स के घर पर जाती हैं और नीना का सारा सामान उसे देती हैं। देन नीना सेड दैट एर्नी बोट्स एंड नीना विल गेट अ बेबी सून। देन नरेटर उससे पूछती हैं कि क्या तुम उन्हें मिस्टर पुरविस के बारे में कुछ नहीं बताओगी। तो नीना कहती है कि ओ इट वॉज जस्ट अ पास एंड इट वॉज गॉन। वो उसे कुछ नहीं बताने वाली। वो कहती है कि एर्नी बोट्स और नीना अब एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड दे विल गेट अ बेबी सून। एंड वो नरेटर का भी थैंक्स करती हैं कि वो तुम्हारी वजह से ही वो एर्नी बोट्स से मिली है। शी थैंक्ड टू नरेटर। बट कुछ दिनों बाद जब नरेटर एर्नी बोट से मिलती है तो उसे पता चलता है कि नीना वहाँ से भी चली गई है और वो अपना सारा सामान भी लेकर चली गई है। जब वो एर्नी बोट से पूछती है कि वो कहाँ गई है, तो एर्नी बोट्स कहता है कि वो अपने अंकल के साथ कहीं पर चली गई है। आई थिंक दे बोथ हैव डिसाइडेड टू गो देयर होम टाउन। वो कहता है कि इट्स ओके, इट वॉज हर डिसीज़न। If she does not want to live with him, it's okay. But उधर मिस्टर पुरविस भी उसे ढूंढ रहा होता है और अब वो यहाँ से भी चली जाती है एर्नी बोट्स के पास से। Now suddenly narrator gets a letter from Nina.
अब नरेटर को दोबारा नीना का लेटर मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो गई थी तो नीना ने उसे कॉल करके बताया था कि वो कहाँ पर है। अब भी वो उसे अपना फ्रेंड मानती है, तो वो दोबारा से उसे बताती है एक लेटर के थ्रू, एक एड्रेस लिख कर जाती है कि वो इस एड्रेस पर है। दिस टाइम नरेटर टुक दिस दैट एड्रेस एंड शी टुक दैट लेटर एंड डिलीवर इट टू मिस्टर पुरविस हाउस। इस टाइम वो लेटर को मिस्टर पुरविस के हाउस पर डिलीवर कर देती है, क्योंकि मिस्टर पुरविस भी उसे ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर उसने नीना का साथ नहीं दिया। सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन एंड बिट्रेयल। इन दिस स्टोरी नोबडी इज प्रोटागनिस्ट, नोबडी इज हीरो और द हीरोइन, नोबडी इज द विलन। यहाँ पर कोई भी इस स्टोरी में हीरो, हीरोइन, प्रोटागनिस्ट या कोई भी विलेन नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर रियलिटी शो की गई है, द रियलिटी ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन, रियलिटी ऑफ द लाइफ, हाउ लाइफ इज गोइंग टू ट्विस्ट और हाउ पर्सन लिव देयर लाइफ। अदर देन दिस इट शोज द नीनाज ड्रीम, नीनाज फैंटेसी, हाउ शी वॉन्टेड टू लिव, बट इट ऑल्सो शोज द रियलिटी ऑफ द ऑर्डनरी पर्सन्स लाइफ, कि लाइफ किस तरह चलती है, लाइफ किस तरह लोग जीते हैं। रियलिटी शो की गई है, कोई भी यहाँ पर विलन नहीं है। जिस तरह से एक ऑर्डनरी पर्सन कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत, कुछ टाइम बिना कुछ सोचे समझे सही गलत का और वो काम कर दिया जाता है, तो इस तरह से रियलिटी दिखाई गई है लाइफ की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेनलोक एज। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड, हिट लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।